एशिया कप 2023 के वेन्यू को लेकर भड़की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि इस मसले पर कई बार भारत को गीदड़ भभकी दे चुके रमेश राजा एक बार फिर जंग में कूद पड़े हैं। हालांकि उनके निशाने पर अब पीसीबी चेयरमैन है। रमेश का कहना है कि हमें यह पता लगाना चाहिए कि नजम सेठी की दिमागी हालत ठीक है या नहीं। दरअसल सेठी ने हाल ही में कहा था कि एशिया कप के न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर इंग्लैंड भी एक अच्छी जगह हो सकती है। रमेश राजा ने कहा, मैं पीसीबी चेयरमैन को यह कहते हुए सुनकर चौंक गया कि इंग्लैंड में एशिया कप खेलना बहुत अच्छा होगा। हमें यह जानना चाहिए कि नजम सेठी की दिमागी हालत कैसी है। रमेश ने कहा कि एशिया कप का मुख्य उद्देश्य, विशेष रूप से जब यह वर्ल्ड कप से पहले आयोजित किया जाता है, टीमों को उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में खुद को ढालने का मौका देना है। पीसीबी के पूर्व चीफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि एक और बयान मुझे जिसने गुस्सा दिलाया वह यह था कि मिस्टर चेयरमैन का प्रेस से यह कहना कि वे संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें सीजन को आयोजित करना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स के मसले हैं। रमेश ने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि एशिया कप को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सुरक्षित है, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान में पीएसएल आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? रमेश ने कहा, हमें पीएसएल को पाकिस्तान में वापस लाने और दुनिया को यह दिखाने में कई साल लग गए कि पाकिस्तान आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार है, लेकिन आप इसे खत्म कर देना चाहते हैं। यह बेहद निराशाजनक है। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दौरान बीसीसीआई सचिव जय शाह ने टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा हालात और सुरक्षा को इसकी वजह बताया था। भारत के इस ऐलान से बौखलाए तत्कालीन पीसीबी चीफ रमेश राजा ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत न आने की धमकी दे डाली थी। रमेश राजा के बाद पीसीबी चेयरमैन बने नजम सेठी ने भी एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर न करवाने की जिद पकड़े रखी। धमकियों के बावजूद बात बनती न देख नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल का शिवगुफा भी छोड़ा, लेकिन उनका यह दाव भी फेल हो गया। अब तक की खबरों के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2023 को पाकिस्तान में न कराने का फैसला किया है। टूर्नामेंट को श्रीलंका शिफ्ट किया जा सकता है, हालांकि अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस के लिए।